लेक्चर टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। लेक्चर वन में मैंने बताया था कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है क्या और पढ़ते क्यों हैं। इस लेक्चर में हम चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशन के बुक से, जिसका नाम है द फाउंडेशंस लॉजिक सेट्स एंड फंक्शंस। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है उसके लिए मैं आपको इंग्लिश कुछ सेंटेंसेस बताना चाहूँगा। बिल फर्स्ट पहला है डिक्लेरेटिव, जिसे हम कहते हैं दिस इज एप्पल, कि आपने कोई बात बयान कर दी। दूसरा होता है इम्परेटिव, जिसमें आप एक कमांड देते हो ईट दिस एप्पल। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, जिसमें आप कहते हो इज दिस एप्पल, पूछती हो कि क्या ये एप्पल है। तो जो पहला है डिक्लेरेटिव, इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट, कि आपने कोई बात बयान कर दी। तो प्रीपोजिशन दरअसल एक स्टेटमेंट है। प्रीपोजिशन क्या है? एक स्टेटमेंट, मतलब कोई बात जब आप बयान करोगे तो वो स्टेटमेंट है, वो प्रीपोजिशन है। लेकिन वो स्टेटमेंट जिसके बारे में आप ये कह सको कि क्या ये सच है या झूठ है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ स्टेटमेंट दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। मतलब कि बिलफर्ज मैं कहता हूँ टुडे इज फ्राइडे, तो आपका जवाब क्या होगा? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों तो नहीं हो सकते। तो इस तरह की स्टेटमेंट को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ स्टेटमेंट दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। तो टुडे इज फ्राइडे एक एग्जांपल दिया। इस तरह दूसरा एग्जांपल कि वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। तो जब एक बात बयान की जाती है और उसको हम ट्रू या फॉल्स कर सकें तो उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। तो अब देखें इसकी वैल्यू, अगर आज फ्राइडे है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ट्रू। वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, ये बात सच है, तो इसकी वैल्यू क्या है? ट्रू। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी, इसे हम कहते हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रीपोजिशन, कि यहाँ ट्रू है या फॉल्स है, जो भी वैल्यू है उसे हम कहते हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रीपोजिशन। मतलब वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, हाँ बिल्कुल है, मतलब ट्रू। तो ट्रू इसकी प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू क्या हुई? ट्रू। तो इसे कहते हैं ट्रुथ वैल्यूज, कि आपकी प्रीपोजिशन की आखिर वैल्यू क्या है, मतलब आंसर क्या है, वाकई में सच है या झूठ है, तो वो क्या है? ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रीपोजिशन। अब इसको डिनोट किस तरह करते हैं, इसकी नोटेशन क्या है, मतलब कि टुडे इज फ्राइडे है तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे एज अ प्रीपोजिशन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर। तो नोटेशन की बड़ी सिंपल है कि हम इसको किसी भी लेटर से कर सकते हैं। प्रीपोजिशन कैन बी डिनोटेड बाय एनी लेटर, पी क्यू आर एस टी, कोई भी लेटर आपका हो सकता है। अब मैं बिलफर्ज मैं पहले को करता हूँ, ये प्रीपोजिशन पहला है टुडे इज फ्राइडे, तो मैंने इसको लिख दिया पी कॉलन टुडे इज फ्राइडे। इस तरह वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, तो मैंने कह दिया क्यू वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। तो दो प्रीपोजिशन मेरे पास आ गई, एक पी दूसरा क्यू। तो ये दो प्रीपोजिशन है, एक पी टुडे इज फ्राइडे, दूसरी है क्यू वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। तो या तो पी ट्रू हो सकती है या फॉल्स, या तो क्यू ट्रू हो सकता है या फॉल्स। अब जिस लॉजिक, ऐसी कोई भी लॉजिक जो हमें प्रीपोजिशन के बारे में बताएगी कि ये फॉल्स है या ट्रू है, तो उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन लॉजिक। एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील्स विथ प्रीपोजिशंस, मतलब ऐसी कोई लॉजिक जिससे आप ये साबित करते हो कि भाई सच है या झूठे, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशनल लॉजिक। द एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील्स विद प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन थी क्या? प्रीपोजिशन एक सिंपल स्टेटमेंट है जो कि ट्रू होगी या फॉल्स। और स्टेटमेंट क्या है? मैंने आपको बताया कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो कि ट्रू होगा या फॉल्स, उसे हम कहेंगे प्रीपोजिशन। तो एग्जांपल मैंने दे दिया टुडे इज फ्राइडे वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, मतलब एक बात बयान कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। उसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स, उसे हम कहते हैं ट्रुथ वैल्यू। नोटेशन क्या है? सिंपली किसी भी लेटर से आप उसको डिनोट कर सकते हो। तो ऐसे लॉजिक जो हमें इस प्रीपोजिशन को ट्रू या फॉल्स करने में हेल्प करे, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन लॉजिक। द एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील्स विद प्रीपोजिशन। अब तीसरा टॉपिक है, उससे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं कि एलिफेंट्स आर बिगर देन माइस। अब आप बताएं कि ये स्टेटमेंट है? हाँ जाहिर सी बात है, एक चीज़ बयान कर रहा हूँ मैं कि एलिफेंट्स माइस से बड़े हैं, बिगर हैं, जस्ट स्टेटमेंट बिल्कुल है।
क्या ये प्रीपोजिशन है? आप सोचें, क्या इसका आप जवाब ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। एलिफेंट्स माइस से बड़े हैं या छोटे हैं, आप दे सकते हो ना, आर बिगर देन माइस, ट्रू या फॉल्स दे सकते हो, मतलब प्रीपोजिशन है। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, मतलब इसका आंसर क्या है? हाँ सही कह रहे हो, एलिफेंट्स आर बिगर देन माइस, बिल्कुल बड़े हैं, तो ये ट्रू हो गया। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू। तो आपको प्रीपोजिशन क्लियर हो गया कि प्रीपोजिशन होता क्या है और उसकी ट्रुथ वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं। अब तीसरा टॉपिक है निगेशन। निगेशन क्या है? एक था प्रीपोजिशन, दूसरा क्या है? निगेशन। निगेशन प्रीपोजिशन का अपोजिट होता है, मतलब निगेशन टोटली अपोजिट होता है प्रीपोजिशन के। मतलब आपने प्रीपोजिशन ये कह दिया कि टुडे इज फ्राइडे, तो इसमें आप कहोगे टुडे इज नॉट फ्राइडे, ये अपोजिट होता है प्रीपोजिशन के। एग्जाम्पल मैंने दिया टुडे इज फ्राइडे, मतलब एक प्रीपोजिशन है, तो इसका निगेशन होगा टुडे इज नॉट फ्राइडे, जिसको हम इस तरह लिखेंगे। ये सिंबल है नॉट, नॉट पी, मतलब नॉट प्रीपोजिशन, टुडे इज नॉट फ्राइडे। या आप इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हो, इट इज नॉट द केस दैट टुडे इज फ्राइडे, मतलब आज फ्राइडे नहीं है, ये केस नहीं है। तो आप इसको दो तरह से निगेट कर सकते हो, दो तरह से नेगेटिव कर सकते हो। लेकिन निगेशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस मिला हुआ है तो उसको आपने नेगेटिव कर दिया, नहीं। हो सकता है आपको नेगेटिव पहले से मिला हुआ हो, तो उसका नेगेशन क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब अगर मैं आपको पी दे दूं इस तरह, टुडे इज नॉट फ्राइडे, ये आपका प्रीपोजिशन था, तो इसका नॉट मतलब नेगेशन क्या होगा? टुडे इज फ्राइडे, मतलब ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू, मतलब अपोजिट निकालना है, तो ये होता है नेगेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि लेट पी बी अ प्रीपोजिशन, कि कोई भी प्रीपोजिशन है पी, तो उसका नेगेशन डिनोट किया जाएगा नॉट पी से, ठीक है कर दिया। तो ये हुआ क्या, ये इज द स्टेटमेंट, इट इज नॉट द केस दैट पी, मतलब पी क्या है? प्रीपोजिशन कोई भी, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रीपोजिशन था पी, इट इज नॉट द केस दैट, ये पी भी आपका प्रीपोजिशन आ गया, टुडे इज नॉट फ्राइडे, तो ये अपोजिट हो जाता है आपके प्रीपोजिशन को। तो इसको हम किस तरह रीड करते हैं, इसको इसको रीड करते हैं नॉट पी, मतलब नॉट पी। तो नेगेशन क्या हुआ? नेगेशन अपोजिट है प्रीपोजिशन के, मतलब ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। अब हम इसको प्रूफ कैसे करें, मतलब इसको लिखने का कोई तरीका तो होगा, एक मेथड तो होगा इस प्रीपोजिशन के रिलेशनशिप, मतलब ये एक प्रीपोजिशन है ये वाला, इसका आपने नेगेशन निकाला ये वाला, तो इसका रिलेशनशिप हम किस तरह मतलब लिखें, एक मेथड होगा। तो इनकी ट्रुथ वैल्यूज को लिखने का मेथड होगा, उसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। ये एक मेथड है टू शो द रिलेशनशिप ऑफ प्रीपोजिशंस, किस तरह? इस तरह टेबुलर मेथड, कि आप ऊपर आपने नाम लिख दिया जो हेडर आपका कि ट्रुथ टेबल फॉर निगेशन, तो आपका ये इनपुट पैरामीटर का नाम पी, मतलब प्रीपोजिशन, ये आउटपुट पैरामीटर का नाम नॉट पी, मतलब निगेशन। तो अगर पी आपका ट्रू है तो आपका जवाब यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पर आपका क्या जवाब आएगा? ट्रू। तो ये ट्रुथ टेबल थी किसकी? नेगेशन की। ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि जो इनपुट पैरामीटर्स होते हैं हम इस तरफ लिखते जाते हैं, सारे जितने कॉलम्स होंगे, जितने इनपुट्स होंगे उतने आपके कॉलम्स होंगे, और इस तरह जितने आपके आउटपुट्स होंगे उतने आउटपुट के कॉलम्स होंगे। यहाँ पे दो थे, एक था प्रीपोजिशन, दूसरा था उसका नेगेशन, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक के प्रीपोजिशन है क्या, उसकी नोटेशन क्या है, और फिर नेगेशन क्या है। एक तो प्रीपोजिशन कोई भी स्टेटमेंट आपने दे दी जो सच होगी या फॉल्स होगी, और नेगेशन उसका अपोजिट, कि आपने बोल दिया टुडे इज फ्राइडे तो इसका नेगेशन होगा टुडे इज नॉट फ्राइडे। और अगर बिलफर्ज आपने ये बोल दिया कि टुडे इज नॉट फ्राइडे, मतलब प्रीपोजिशन दिया है, तो उसका नेगेशन होगा टुडे इज फ्राइडे, मतलब वाइस वर्सा, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। अब एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। अब मैं ये कहता हूँ कि 520 इज लेस देन 111, क्या ये स्टेटमेंट है? जाहिर सी बात है, मैं एक चीज़ बयान कर रहा हूँ कि हाँ तो स्टेटमेंट तो है। अब ये क्या प्रीपोजिशन है? तो सोचें, 500 इज लेस देन 111, आप डिसाइड कर सकते हो ट्रू फॉल्स, हाँ कर सकता हूँ मैं, तो ये भी प्रीपोजिशन है। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? सोचें, 520 लेस देन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहता हूँ कि y इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या स्टेटमेंट है? हाँ मैंने कुछ चीज़ बयान कर दी तो स्टेटमेंट है।
क्या ये प्रिपोजिशन है? सोचें, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको y की वैल्यू ही नहीं पता, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि 5 से बड़ा है कि छोटा है? कर ही नहीं सकते, तो ये प्रिपोजिशन नहीं है। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? जाहिर सी बात है, क्या होगी? डिपेंड करती है y पे, कि y की वैल्यू होगी तो हमें पता होगा ना, तो y की वैल्यू स्पेसिफाइड है ही नहीं। डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ y, बट दिस वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड। तो प्रिपोजिशन क्या हुआ, नेगेशन क्या हुआ, उसका एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर दिया जो कि उस बुक में है। अब दूसरा एग्जाम्पल, वॉट टाइम इज इट, क्या स्टेटमेंट है? नहीं है भाई, पूछ रहा है वो। स्टेटमेंट होता है कुछ चीज़ आप पे बयान कर दो, कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। क्या ये प्रिपोजिशन है? जब स्टेटमेंट नहीं है तो प्रिपोजिशन भी नहीं होगा, क्योंकि प्रिपोजिशन के लिए ज़रूरी है कि वो स्टेटमेंट हो। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि आपका अगला टॉपिक है, मैं आपको तीसरे लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अभी तक आपको ये पता चल गया कि प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशनल लॉजिक क्या है, नेगेशन क्या है, और कुछ हमने एग्जांपल्स सॉल्व किए। ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि उस बुक में इंक्लूडेड हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाए। थैंक यू, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।